मस्ती में पिता ने ले ली मासूम बेटे की जान, सामने खड़ी माँ देखती रही तमाशा। मिसौरी के संत लुइस में मौजूद ग्लेनोन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नवंबर 2016 में 9 हफ्ते के बेबी जैक्सन की मौत हो गई थी। उसकी मौत के जिम्मेदार वो लोग थे जिनका काम जैक्सन की सुरक्षा करना था। खेल खेल में पिता ने ले ली जान। 20 साल के रॉबर्ट जेम्स बर्नेट और 21 साल की मेगन एल हैंड्रिक्स अपने बेटे जैक्सन की जान लेने के जुर्म में जेल में सजा कट रहे हैं। जैक्सन की मौत इंटरनल ब्लीडिंग और हड्डियों के टूटने की वजह से हुई थी। उसकी बॉडी में कई तरह के जख्म मौजूद थे। दरअसल जैक्सन के पिता रॉबर्ट उसे बुरी तरह से ट्रीट करते थे। छोटे से बच्चे को उठाकर बेड से फेंक देना और हवा में उछालना उसे बहुत पसंद था। ये सब जैक्सन की माँ मेगन के सामने होता था, लेकिन उसने कभी रॉबर्ट को नहीं रोका। एक दिन जब जैक्सन को रॉबर्ट ने पलंग से उठाकर फेंका तो उसे काफी गहरी चोटें लग गईं। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पहले तो रॉबर्ट और मेगन पर बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज का केस दर्ज किया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में ही जैक्सन की जान चली गई, जिसके बाद उस पर बच्चे की मौत का केस बनाया गया। हो सकती है उम्र कैद। सुनवाई के दौरान कोर्ट को ऐसी कई बातें पता चली जिसके बाद जज भी हैरत में थे। रॉबर्ट मौज मस्ती के लिए बच्चे को टॉर्चर करता था। जब जैक्सन रोता तो रॉबर्ट उसके गले में उंगली डाल उसे चुप करवाता था। अभी दोनों सजा का इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट को बच्चे की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है।